सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है प्रसाद से। पापा लेके आए प्रसाद मेरे लिए और सबके लिए, और मैं कर रहा हूँ ब्रेकफास्ट दूध रोटी आम। और किस किस ने करा है कमेंट में बताओ प्लीज मुझे, ठीक है। और अभी मैं बैक कर रहा हूँ बैक लाइब्रेरी के लिए। एज यू नो गाइस कि मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करा है कुछ दिनों के लिए, क्योंकि मेरा जब ऊपर स्टडी रूम बन जाएगा तो मैं ऊपर करूंगा पढ़ाई और करूंगा लाइव स्टडी विथ मी स्टार्ट। और गाइस, अभी कर लेते हैं वाटर प्रोटोकॉल फिल, क्योंकि लाइब्रेरी में प्यास लगता है। मुझे नहीं पता बट लगता है प्यास, तो हमेशा लगता है। तो अभी रख लेते चार्जर वगैरह, क्योंकि फ़ोन चार्ज भी करना ना। और अब ले ले मैंने की, और गाइस मैंने हेडफोन भूल लिया था वहाँ पे, तो हल्ला नहीं करना है, शांति से पढ़ना है, तो इसलिए मैंने जा रहा हूँ अपने साथ हेडफोन। और ये रहा मेरा गाइस बाइक, मेरी KTM RC। बहुत दिन बाद आज मैं इसको करूँगा स्टार्ट। तो सबसे पहले साफ़ कर लेते हैं, वैसे गाइस बहुत गंदी हो रखी बाइक, तो मैं कल उसको वॉश भी कराऊँगा। तो अभी करते स्टार्ट, फिर निकलते हैं क्लास से, ठीक है। और गाइज, इतनी भारी बाइक है मेरे से हिल ही नहीं रही थी, बट मैंने हिला लिया, ठीक है। तो फाइनली गाइज मैं निकल चुका हूँ अपने लाइब्रेरी के लिए। बट गाइज, आज पलकबे का आखिरी दिन है शहर में, बट क्योंकि पलकबे रहते हैं गाइज गोपालगंज में, वहाँ पे पढ़ाई करते हैं अपने भैया के साथ। उनके भैया बैंक मैनेजर हैं और पलकबे भी बैंक का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसलिए उनके साथ रहते हैं वो। तो आज पलकबे का आखिरी दिन था, तो मैं उनको ज़्यादा सी ऑफ करने के लिए और इनको बस स्टैंड छोड़ने के लिए। तो अब मैं पहुँच चुका हूँ लाइब्रेरी और अपने बाइक को कर दिया हूँ पार्क। तो चलो चलते अभी ऊपर और चलते लाइब्रेरी के अंदर, फिर करेंगे पढ़ाई स्टार्ट, ठीक है। सो गाइस, फाइनली चार्जिंग पे लग गया फ़ोन और कर दिया मैं अपना टाइम लैप्स स्टार्ट, क्योंकि टाइम लैप्स के कारण ही मैं आपको दिखाता पाता हूँ व्लॉग। और अभी आ गया मेरा दिन का पहला चाय। घर पे मैं चाय नहीं पीता गाइस, इसलिए मैंने लाइब्रेरी में मंगवा लिया। तो अभी चाय पीते पीते मैं देख रहा हूँ मुसफ़र अली सर का एक लेक्चर था, हमारा विद्यापीठ का फर्स्ट लेक्चर था बॉटनी का। तो सर ने बहुत ही प्यारा स्ट्रैटेजी और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कही थी सिलेक्शन को लेकर। तो मुझे अचानक से क्लिक करा वो चीज़, तो मैं पहले सोचता कि मैं वो वीडियो देखता हूँ एक बार, उनसे कुछ आइडियाज़ लेके अपनी आज की पढ़ाई करूँगा स्टार्ट। और देखा जाए तो ये पहली मेरी पढ़ाई स्टार्ट हो रही है, नहीं 2024 के लिए एक अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट हो रहा है। तो देखा जाए तो और कहा जाए तो ये मेरा फर्स्ट डे है फॉर नीट 2024 के लिए। और लिटरली गाइज, लाइब्रेरी में आके बहुत ही मोटिवेटेड फील हुआ, बहुत ही मोटिवेटेड। और कैसे कैसे टाइम निकला पता नहीं चला। और गाइज, मुझे माफ़ कर देना कि मैं जैसे पहले ब्लॉग बनाता था उस टाइप से मैं नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि लाइब्रेरी में एक तो बोल नहीं सकते और घर पे फिर लाइब्रेरी फिर घर, इसलिए मैं जैसा पहले बनाता था ब्लॉग उस टाइप से नहीं बना पा रहा हूँ, इसके लिए आई एम सो सॉरी। बट गाइज, आप कुछ दिन वेट करो, अराउंड 10-15-25 दिन मैक्स टू मैक्स आप इतने दिन वेट कर लो, उसके बाद मेरा घर बन जाएगा ऊपर, मेरा स्टडी रूम, और बहुत ही प्यारा स्टडी रूम बनने वाला है ऊपर, जिसमें मैं आराम से रिलैक्स होकर मतलब काफ़ी घंटे पढ़ सकता हूँ, अराउंड 10-12 घंटा। और इस बार मैं प्लान कर रहा हूँ कि गाइज़ के डेली पढ़ूंगा आपके साथ लाइव, और मिनिमम 10 घंटे पढ़ूंगा हम लोग डेली लाइव पढ़ेंगे हम लोग साथ में डेली 10 घंटे। अगर आप डीमोटिवेट हो तो मेरे से मोटिवेट हो जाना, और मैं अगर डीमोटिवेट हूँगा तो आप लोग मुझे मोटिवेट कर देना। बट हम लोग करेंगे डेली पढ़ाई और डेली लाइव स्ट्रीम, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, जितने घंटे हो सके उतने घंटे करेंगे साथ में बैठ के पढ़ाई। और इस बार नीट 2024 हमारा है गाइज, हमारा है, बट हमें करना है पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, एज वी नो क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो गाइज़, आप लोग सारे इक्विपमेंट्स लाइक बुक वगैरह, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एप्लीकेशन वगैरह, जो कुछ भी चाहिए आपको, बैच वगैरह सब कुछ ले रखो, क्योंकि बीच बीच में करोगे तो फिर गाइज़ बहुत दिमाग ख़राब होगा। इसलिए स्टार्ट करने से पहले पढ़ाई आप सारा चीज़ रख लो जो आपको चाहिए। तो अभी हो चुका है मेरा लैपटॉप ऑफ, इसलिए मैंने उसको रख दिया। और गाइज़, मेरे पास एक बुक है ओसवाल का, NTA 36 ईयर नीट UG फिजिक्स बुक। इसके अंदर गाइज़ 36 ईयर के सारे फिजिक्स के क्वेश्चन हैं जो भी नीट में आ चुके हैं और उसके सॉल्यूशन वगैरह हैं। और ये 2024 एडिशन है गाइज़, एक सीनियर ने मुझे
मुझे एडवाइस कर दिया बुक। इसमें गाइज सारे क्वेश्चन 100% अपडेटेड हैं, प्लस हाई सक्सेस रेट है इस बुक का गाइज, और इसमें आपको मिलेगा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, प्लस इसमें बहुत कुछ मिलेगा आपको। तो अभी करते हैं इस बुक को ओपन और आपको दिखाता हूँ मैं इस बुक के अंदर और क्या क्या है। तो सबसे पहले मिलेगा आपको एक QR कोड जिसको स्कैन करके आपको मिलेगा एक ऑनलाइन कोर्स प्लस मॉक पेपर्स, जिसकी प्राइस गाइज 999 वो मिल रहा है आपको इस बुक के साथ फ्री। तो अभी चलते हैं इस बुक में आगे और दिखाता हूँ आपको इस बुक के अंदर और क्या क्या है। उसके बाद आपको मिलेगा इस बुक के अंदर कुछ 9 टिप्स क्रैक करने के लिए नीट को, जिसको पढ़ के आप रह सकते हो मोटिवेटेड। और इसमें गाइस दे रखा है आपको फिजिक्स के लेटेस्ट सिलेबस, जिसमें आप देख के एनालाइज कर सकते हो क्या क्या वेटेज है कौन कौन से चैप्टर के, प्लस इसमें 2014 से 2023 के सारे चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आ रखे हैं, लाइक एक चैप्टर से कितने क्वेश्चन कौन कौन से ईयर में आ रखे हैं वो दे रखा आपको इसमें, जिसमें आप देख के एनालाइज कर सकते हो कि किस किस चैप्टर का कितना सारा वेटेज है। उसके बाद आपको मिलेगा इस बुक में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारा नीट का क्वेश्चन पेपर 36 ईयर्स का, सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इसमें। फिर इसके साथ ही आपको मिलेगा इसके सॉल्यूशंस, डिटेल सॉल्यूशंस, हर क्वेश्चन के अच्छे से सॉल्यूशन दे रखा है इसमें डिटेल, जिसको देख के आप कर सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस अपनी एज लाइक नीट, जैसा हमारा क्वेश्चन पेपर होता है गाइस सेम एज लाइक वैसा ही इसमें मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर। साथ ही में मिल रहा हूँ आपको इसमें माइंड मैप्स। सो गाइज ये बुक अवेलेबल है ओशवाल के वेबसाइट पे, प्लस अमेजोन फ्लिपकार्ट में शो जियो मार्ट स्नैपडील अमेजोन प्लस गूगल प्ले स्टोर, और डायरेक्टली आप इसको स्कैन करके ले सकते हो इस बुक को। और गाइज इस बुक का प्राइस है ओनली 499, तो बहुत ही ईजिली अफोर्डेबल बुक है, तो आप आराम से इसको खरीद सकते हो। मैंने लिंक डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाकर चेकआउट करो, उस पर आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट सबका लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाकर डायरेक्टली खरीद सकते हो उस पर। तो अब भी चलते हैं हम लोग, सब सामान पैक करते हैं, चार्जिंग वगैरह सब कुछ पैक करके हम लोग निकलेंगे अभी घर के लिए, क्योंकि लेट हो चुका है गाइस। और हमारा फर्स्ट था आज, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था इस लाइब्रेरी में, बहुत ही अच्छा माहौल था, लाइट कम था कोई नहीं, बट लाइट कम होने के कारण पूरा फोकस हमारा अपने बुक पे और लैपटॉप पे था। अगल बगल पीछे कोई भी कुछ भी कर रहा है, मुझे कुछ पता ही नहीं चला कौन क्या कर रहा है, कौन कब उठ रहा है, कौन कब जा रहा है। आपने देखा होगा टाइमलेस पे लोग पीछे से उठ भी रहे होंगे कुछ काम करने के लिए, तो मैं इतना पूरा मोटिवेटेड था अपने लैपटॉप पे, अपने लेक्चर पे, तो मुझे कुछ भी पता नहीं चला। तो ये इस लाइब्रेरी का मुझे अच्छा लगा, तो इस लाइब्रेरी में ही कंटिन्यू करूँगा मैं, और कोई लाइब्रेरी नहीं दिखूँगा अब। तो अभी करते फिलहाल सब कुछ पैक और निकलते हैं यहाँ से, ठीक है। और गाइज एक खुशखबरी, मैं अब कुछ दिनों में करूँगा गिव अवे, लाइक हर मंथ में एक या दो कम से कम मैं गिव अवे करूँगा, तो आप लोग इस चीज़ के लिए अपडेटेड रहना। अपडेट रहने के लिए गाइज आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा टेलीग्राम लिंक, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप ज्वाइन करो, उस पर मैं सब कुछ आपको अपडेट कर दूँगा। तो अभी फिलहाल चलते हैं, और मैं रास्ते में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा गाइज, क्योंकि मैं ही चलाऊँगा। और रास्ते में मिला मुझे मनदीप, इसको भी आप सबको जानते हो, तो ये भी इस शहर में रहता है मेरे घर के जस्ट बगल में, तो मुझे मिला और कहाँ चाय पीने चलने के लिए, तो मैं और मनदीप आए हुए चाय पीने के लिए। और अब पहुँच चुका मैं अपने घर पे, और घर पे आते ही मुझे मिला एप्पल, और उसके बाद चाय, और चाय पी के मैं आया था, फिर भी मैं मना तो ही कर सकता हूँ चाय के लिए। तो उसके बाद चाय के बाद आशू लेके आए मेरे लिए बिस्किट मोनाको, मेरा फेवरेट और आशू का फेवरेट है मिल्क बिकीज, बट एज यू नो गाइस कि मैं स्टार्टिंग से मोनाको खाता हूँ, तो अभी है मेरे लिए और ये मेरी दादी, याद है उसका कितना उसके बाद गाइस घर पे आके मुझे मिला खाना खाने में आज, ऑमलेट रोटी और सैलेड्स। उसके बाद मैं दादी मम्मी पर सब कोई बैठ के बात करें, बहुत बहुत बात किया हमने, और उसके बाद जाके मैं सो गया। तो इस वीडियो में सही, आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आएगा, और पसंद आए प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब किया बिना मत जाना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।